कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं, देखेंगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 दिन हैं आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले 15 दिनों में। तो ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले नेक्स्ट 15 डेज जो होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूँ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई है और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज हैं उनके लिए गाइड करें, मैसेजेस दें इस वीडियो के माध्यम से। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पर जो भी मैसेजेस यहाँ पर डिलीवर किए जा रहे हैं आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है कि वो मैसेजेस आपको कहाँ देने हैं, ठीक है। तो जहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको कनेक्ट कर रही है उन्हें, उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की, जय माता। जितने भी मेरे व्यूवर्स एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज बताएं नेक्स्ट 15 डेज आने वाले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। माय गॉड, मैजिशियन कार्ड है। देखिए ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना माय डियर, ये आप पर निर्भर करेंगे कि आप कैसे रखना चाहते हो नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, बहुत ही स्पिरिचुअल रहेंगे आप, डिवाइन से बहुत ही कनेक्टेड रहेंगे, बहुत ही बैलेंस्ड आप रहेंगे। अगर कहीं कहीं आप आउट ऑफ बैलेंस भी हो ना, तो ये कार्ड आपको ये भी बोल रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज आप अपने अंदर बैलेंस लेकर के आइए, उन सिचुएशंस में बैलेंस लेकर के आइए, ठीक है। अदरवाइज जो है आप लोग बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रहने वाले हो, ठीक है, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड रहने वाले हो। और यहाँ पर आप बहुत, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज यहाँ पर ओपन हो रही है, और आप जो भी काम कर रहे हो, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें आपको बहुत ही बरकत आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बहुत ही प्रोडक्टिव कार्ड है, बहुत ही सक्सेसफुल कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी बातें लोग मानेंगे, आपको लोग मानेंगे, ये जो एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं इस कार्ड की। मैजिशियन का कार्ड है, तो बेसिकली आप मैजिशियन के रूप में टैपिंग कर रहे हो नेक्स्ट 15 डेज में। तो जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो, जो कुछ भी पाना चाहते हो, अगर उस तरफ आप प्रॉपर अपने कदम बढ़ाते हो, उस तरफ आप एक्शंस लेते हो, तो डेफिनेटली आप वो अचीव कर लोगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन सिर्फ ये वो वाली बात नहीं है कि आप कदम बढ़ा रहे हो तो आप वो रिसीव कर रहे हो विद डिवाइन के सपोर्ट के साथ, ठीक है। तो डिवाइन के साथ अपने कनेक्शंस को ब्रेक मत होने दीजिएगा, उनके साथ आप कनेक्टेड रहिएगा, और यहाँ पर डिवाइन आपको वो रास्ता दिखाएंगे भी, ठीक है। और आप डिवाइन की हेल्प के साथ, स्पिरिचुअल हेल्प के साथ आप चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे जो आप करना चाहते हो, ठीक है। तो इस वक्त में मतलब मुझे कुछ बड़ी चीज़ें भी कुछ लोगों की लाइफ में नज़र आ रही हैं कि आप लाइफ के बहुत बड़े किसी ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे आप किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर लवर्स की एनर्जीज हैं, तो मे बी कुछ ऐसे किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपको एक एग्जैक्ट डिसीजन लेना है। तो नेक्स्ट 15 डेज वो क्लैरिटी आपको मिल रही है, डिवाइन आपको वो गाइड कर रहे हैं, और आप भी जिसे कहते हैं अपनी नॉलेज, अपनी विजडम के आधार पर वो एक डिसीजन ले रहे हो, एक्शंस आप ले रहे हो, जिसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। क्योंकि इस कार्ड में ना मुझे यहाँ पर एकदम से क्लिक हुआ, यहाँ पर सन की रोशनी बहुत ज़्यादा मुझे, आपको आई थिंक इतनी नहीं नज़र आ रही होगी, बट ये स्पार्क कर रही है, ठीक है। तो ये मुझे बिल्कुल एकदम से जैसे दिखी, ठीक है, कुछ है, ओके, ये मुझे सन ही लग रहा है, बट ये लाइट बहुत ज़्यादा, देखिए कुछ है, कोई स्पिरिट आपका हेल्प कर रही है नेक्स्ट 15 डेज में। डिवाइन शक्ति, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, मतलब कोई फेरी, मतलब कुछ है जिन पर भी आप विश्वास करते हो ना, वो आपकी मदद कर रही है। कुछ बड़ा है,
ये नेक्स्ट 15 डेज में आपको जैसे सही दिशा की तरफ, सही राह की तरफ ना आपको इंडिकेट किया जा रहा है, आपको लुभाया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ, किसी पाथ की तरफ या फिर किसी ऐसी चीज़ की तरफ आप अट्रैक्ट हो, आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खींच रही है अपनी तरफ। तो इट मीन्स वो जो स्पिरिट है ना, वो आपको दिखाया जा रहा है बार बार उस चीज़ की तरफ, आपको लेकर जाया जा रहा है, आपको उस पथ पर चलना है, ठीक है। वो कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं आपको नेक्स्ट 15 डेज में, ओके। राह आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। किसी इल्यूजन्स में हो, किसी दुविधाओं में हो आप इस समय, हो सकता है, और वहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी। स्पिरिट वर्ड से आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। तो आपको यहाँ पर ओपन रहना है, ओके। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपकी विजडम भी ओपन हो रही है, ठीक है। आपके लिए ऐसे राह बनेंगे, ऐसे लोग आपकी लाइफ में इन नेक्स्ट 15 डेज में आने वाले हैं, जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं, आपको आगे लेकर जाने वाले हैं, जिसे हम सॉल फैमिली ही बोलते हैं, ठीक है। ऐसे दोस्त जुड़ सकते हैं, ऐसे कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो, या ऐसे लोग जिसे कहते हैं ना टकरा जाएंगे आपसे, आपके डेस्टिनी में आ रहे हैं, आपकी आपके डेस्टिनी में है, और ये वक्त लिखा था ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आप ऐसे लोगों से जुड़ोगे। ओह माय गॉड, सी मैंने आपको बोला ना कि आप ऑलरेडी, ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना रिवर्स आया, जैसे कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो एक्वेरियस, ठीक है। आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, बने रहने की कोशिश कर रहे हो, बट अब वो वक्त आ गया है कि डिवाइन यहाँ पर आपको सपोर्ट दे रही है। आप इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हो, इन स्ट्रगल से बाहर आने वाले हो, इन इल्यूजन से बाहर आने वाले हो, जहाँ चीज़ें आपको बहुत इल्यूजनरी लग रही थी, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ना, वहाँ आपको अब क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको अपनी विजडम को यूज़ करना, ये इजी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। आपको अपनी इनर विजडम से कनेक्टेड रहना है, अपनी इनर नॉलेज से कनेक्टेड रहना है, दैट इज़ वाई ये सब आपके लिए ओपन हो रहा है, ठीक है। डिकोड कीजिए चीज़ों को, समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त में जो भी चीज़ें आपके साथ होंगी वो कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं है, इस भूल में मत रहिएगा, ठीक है। आपको अगर दिखाया जा रहा है, इट मीन्स उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें कुछ लोग मजाक में ले लेते हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि जो लोग मजाक में लेते हैं उनकी लाइफ मजाक बन जाती है। आई एम सॉरी, मुझे जो गाइड मुझे मैसेज मिला मैंने वो बताया, हो सकता है किसी के लिए हो, आई एम सॉरी। आपको बटरफ्लाइज, मतलब आई रियली डोंट नो, मुझे बहुत बार बार दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये बटरफ्लाई है, ये फेरी है, जैसे स्पार्कलिंग आपको ऑब्स नज़र आ सकते हैं। आपकी साइकिक पावर्स भी यहाँ पर बढ़ रही हैं, स्पिरिट से आप कनेक्ट कर सकते हो, मतलब जो लोग स्पिरिचुअल हैं, मैं यहाँ पे सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मजाक की बात नहीं है, जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, जो स्पिरिचुअली काम कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है, आप लोगों को ऐसा हो सकता है आपको विजन्स दिखाई दें, आपको ऑर्ब्स दिखाई दें, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि क्या है, मतलब ये है सच में, आपको और ज़्यादा बिलीव करना है। जैसे हम कहते हैं ना, अपनी इंट्यूशन पर जितना ट्रस्ट करेंगे उतनी इंट्यूशन क्लियर होगी हमारी, उतना हम उसको स्ट्रांग कर पाएंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ देंगे अपनी इंट्यूशन को। उसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं, जितना आप उसको इग्नोर करोगे ना, तो वो चीज़ें आएंगी नहीं आपके सामने। आप मतलब समझ रहे हो, आप जो लोग ऑलरेडी हैं इस बात पर, आई होप वो समझ रहे हैं, मुझे पता है। तो उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। थर्ड आई ओपन हो रही है आपकी, आप थर्ड आई पर फोकस कर रहे हो, आप में से बहुत लोग, आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। दिखेगा आप में से कुछ लोगों को, मे बी आप में से कुछ लोग त्राटक कर रहे हैं, थर्ड आई की एक्सरसाइज कर रहे हैं, चैंटिंग्स कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हो गाइस आप, ठीक है, कुछ तो कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यही बताता है। किस एनर्जीज में रहेंगे आप, प्लीज बताएं एक्वेरियस नेक्स्ट 15 डेज में। ओह माय गॉड, ये बहुत, आई रियली डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, जिनसे कनेक्ट हो रहा है ना वही लेना, मैं जो बताऊंगी, ठीक है। मुझे नहीं पता, ये बहुत ज़्यादा से शायद ही रिलेट करे, ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है।
queen of swords. Oh my god. आपके ancestors, ये जो भी मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपके gifts, आपके psychic gifts यहाँ पर ओपन हो रहे हैं माई डियर नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है? बहुत ही स्पिरिचुअल रीडिंग हो रही है गाइज, तो जो मुझे मैसेज मिलता है आपको पता है मैं वो ही देती हूँ, ठीक है? आगे आएगा अगर मटीरियल लाइफ को लेकर के तो डेफिनेटली वो भी बताने वाले हैं, क्योंकि हम एस्पेक्ट्स को लेंगे, लेकिन जो जनरल मुझे मैसेज मिल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ. तो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, ठीक है? और आप रियलाइज़ करोगे उनको, इग्नोर मत कीजिएगा. रियलाइज़ कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा इग्नोर मत कीजिएगा उसको, उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये गिफ्ट्स जो है आपके इंसेस्टर्स आपको पास कर रहे हैं, और आप उस ऊर्जा में हो, उस एनर्जीज में हो नेक्स्ट 15 डेज की, आप रिसीव कर रहे हो, आप उतनी वाइब्रेशंस में, हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, आप काम कर रहे हो, जिस वजह से कि आप वो गिफ्ट्स रिसीव कर रहे हो. लिटरली गिफ्ट्स का कार्ड है, ठीक है? कि ये रिसीव हो रहा है आपको, ठीक है? स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आप रिसीव कर रहे हो. आपकी कोई इंसेस्टर्स हैं, मतलब इंसेस्टर हैं आपके, जिनके पास ये गिफ्ट्स है, वो पास आउट कर रहे हैं आपको, ठीक है? आपको दे रहे हैं वो आपको. और जो चीज़ें मे बी आप कनेक्ट कर पा रहे थे, आप उन पर काम कर रहे हो, वो चीज़ें ओपन हो रही हैं, ओके? और बाकी सब की, और एक पहले मैं आपकी बात कर लेती हूँ, और आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपके माइंड में वो क्लैरिटी आ रही है. मैंने बोला ना कि अभी हो सकता है कि आप किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरफ आगे बढ़ो, किस चीज़ के साथ आगे जाऊँ, क्या क्या करूँ, क्या डिसीजन लेना है मुझे, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा. लेकिन नेक्स्ट 15 डेज आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा आपको गाइड किया जा रहा है, कुछ ऐसा आपको बताया जा रहा है कि आप क्लियर हो रहे हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है. बहुत ही मतलब पक्के वाला क्लियर हो रहे हो, यहाँ पर डाउट्स नहीं है, आप क्लियर हो रहे हो कि हाँ अच्छा ठीक है, मुझे इसी बात पर आगे बढ़ना है, इसी तरफ मुझे डिसीजंस लेने हैं, तो आप उस तरफ डिसीजन ले रहे हो. मतलब माइंड में वो जो इल्यूजन्स थे वो हट रहे हैं आपके, ठीक है? और स्पिरिचुअलिटी से हट करके भी अगर बात की जाए तो माय डियर आप बहुत ही थोड़ा मैं कहूँगी नॉस्टैल्जिक एनर्जीज में जा रहे हो, ठीक है? आप लोगों का मन करेगा कि आप कुछ अपने मतलब पुराने जगहों पर विजिट करें, ठीक है? अपने पुराने दोस्तों से मिलें, या फिर आपके पुराने दोस्त आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर आप उनके पास जा सकते हो, या फिर आप अपने गाँव में, या फिर जो भी आपका जैसे होता है ना, जहाँ पर आप पैदा हुए थे, ठीक है, उस घर में आप विजिट कर सकते हो, अपने बचपन की जगह पर आप जा सकते हो. ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, ठीक है? ओके गाइस, जो लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, जिन मैं स्पिरिचुअली अगर बात करूं, तो आप लोग किसी ऐसी जगह पर विजिट कर सकते हो जो आपके पिछले लाइफ टाइम से कनेक्टेड हो. अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो इस वक्त में, तो कोई ऐसी जगह आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी जो आपकी पिछले लाइफ टाइम से कनेक्टेड है, ओके? या फिर आप किसी ऐसी जगह पर विजिट भी कर सकते हो जो ऐसी जगह आपको अट्रैक्ट कर सकती है जहां आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो है ओपन हो रहे हैं, ठीक है? बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है. अगेन यहाँ पर आप देखोगे, होप आपको दिखाई दे रहा हो, जैसे ये पानी यहाँ से गिर रहा है तो सन की रे आ रही है और ये यहाँ पे स्पार्क कर रहा है, स्पार्कल बहुत ज़्यादा है. ऑर्ब्स मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि स्पिरिट जो है बहुत ज़्यादा आपको क्लियर इंडिकेशंस दे रहे हैं. देखिए ये सबके लिए मैसेज है, ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब गिफ्ट्स सबके अंदर होते हैं, कुछ लोग उन्हें ओपन कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो वो बात अलग होती है कि आप रियलाइज़ कर रहे हो आपको उस तरफ जाना है. कुछ लोग सिर्फ इस चीज़ को ये सब धोखा है, ये सब बेकार है, ठीक है, कुछ नहीं होता है, तो इग्नोर कर देते हैं. अब वो आप पे डिपेंड करता है, स्पिरिचुअल गिफ्ट सबके पास होते हैं, ठीक है? यस, कुछ लोग जो है पैदा ही होते हैं तो वही ओपन ही होते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ज़्यादातर लोगों को ओपन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है? अगेन मुझे यहाँ पे फेरी जो है अट्रैक्ट करी है, अगेन फेरी मुझे यहाँ पर अट्रैक्ट करी है, स्पार्कल और स्पिरिट यहाँ पर है, मतलब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं. स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हो, कल्ट की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हो इस वक्त में, ठीक है? स्पिरिट के साथ आपका कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ड्रीम्स में भी आपको दिखाई दे सकते हैं आपके एंसेस्टर्स.
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है वहाँ पर, मतलब उस जगह पर आप जा सकते हो जहाँ पर आपके एंसेस्टर, आपके दादा दादी, नाना नानी आपके रहते थे, वहाँ आप विजिट कर सकते हो, ठीक है? वहाँ से कुछ ना कुछ है कनेक्शन ये वक्त में, ओके? मतलब कुछ ऐसी जगह है, या तो वो इस जन्म से ही आपके कनेक्टेड है, या फिर वो आपके पिछले जन्म से कनेक्टेड है। किसी ऐसी जगह पर आप विजिट कर सकते हो। ये कोई हिस्टोरिकल प्लेस भी हो सकता है, ये कोई रिलीजियस प्लेस भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और बस मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, स्पिरिट बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं आपके लिए। बस अभी इतना ही। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे पता है, ऐसे रीडिंग के बाद ना लव रिलेशन ये सब करने का मन नहीं करता। बहुत स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं। चलिए, लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज में। किंग ऑफ कप्स, ओके। करियर कैसा रहेगा नेक्स्ट 15 डेज में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ कैसी रहेगी टू ऑफ कप्स। अगेन बोलती हूँ, ये जो एनर्जीज है ना, ये मुझे जैसे कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन हो रहा है, अब वो ट्रू कनेक्शन आप बैठ रहा है, आप कनेक्ट हो रहे हो। ये वो वाला कनेक्शन नहीं है कि हाँ आप कनेक्ट हो रहे हो, जैसे आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने पाथ पर आ रहे हो, आप एग्जैक्टली जो करने आए थे ना, आप उन चीज़ों को समझ रहे हो, रिसीव कर रहे हो। अब आप एग्जैक्टली उस जगह पर आ रहे हो, समझ रहे हो आप, ओके? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे उनके पास्ट, जो लोग रिकंसिलिएशन के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है आपके पास्ट जो पार्टनर हैं, एक्स एक्स जो हैं या पर्सन है, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं इस वक्त में, ठीक है, ओके? अगर इस रीडिंग में, जर्नल रीडिंग में देखा जाए तो डेफिनेटली आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोलूँगी क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मुझे वाइब्स बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, जिनके एक्स यहाँ पर वापस आ रहे हैं, ठीक है? तो आप उनके साथ आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है, चीज़ें फिर से हील हो सकती हैं, ठीक है? ट्रू सॉलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सॉलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? रिकंसिलिएशन के चांसेस बहुत हाई हैं, और अगर उन्होंने तब आपको कमिटमेंट पिछले टाइम पे नहीं दिया था, तो हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि अब वो जब आए तो आपको वो सरप्राइज कर सकते हैं, वो आपको सीधा कमिटमेंट दे सकते हैं, ओके? ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वो आपको मतलब डायरेक्टली बोल देना, मतलब ये वो एनर्जीज है, ओके? स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी के लिए फूल का कार्ड है। न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। देखा मैंने आपको क्या बोला कि आप अपने गिफ्ट्स को अनलॉक कर रहे हो, ठीक है? और एक नई जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो। मतलब अभी आपको था, आप थोड़े अवेयर थे कि आपके पास वो गिफ्ट्स है, बट वो ओपन नहीं हो रहे थे, आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या उस तरफ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ चीज़ें डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, बहुत इल्यूजन से भरी हुई आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, बट अब वो एक क्लैरिटी मिल रही है और एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। ये नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि आप मे बी आप स्पिरिचुअलिटी में नए हैं, ठीक है? तो आपकी वो जर्नी को भी दिखाता है यहाँ पर, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी नेक्स्ट जर्नी अब स्टार्ट हो रही है, वो आप एक लेवल पार कर चुके हो, अब ये नेक्स्ट चैप्टर, एक नेक्स्ट आपकी न्यू होता है ना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कि अब वो आपने पास कर लेना था, वो लेसन्स आपने कर लेने थे, वो सब वर्क कर लेना था, अब ये नेक्स्ट आपका स्टार्ट है यहाँ पर, न्यू ये न्यू बिगनिंग जो है उस चीज़ के बारे में बता रहा है। ये बिल्कुल ये आपका नया ही है कुछ न्यू एक्सपीरियंस, ये वो एनर्जीज मिल रही है, न्यू एक्सपीरियंस, डिवाइन पर और ज़्यादा ट्रस्ट, विश्वास, कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? और बहुत ही प्योर सोल हो आप डेफिनेटली, तो नए नए एक्सपीरियंसेस आप स्पिरिचुअली लेने जा रहे हो, ओके?
ये वो अपनी पावर के बारे में बता रहे हैं कि यस अब आप अपनी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी आया है किंग ऑफ कप्स, तो यस आप अपनी पावर में जैसे टैप इन कर रहे हो, अपने दिल को फॉलो करो गाइस, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, ओके आगे बढ़ते जाओ। ये जो भी आपको सिम्टम्स, ये जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं इस वक्त में, फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए, इग्नोर मत कीजिए। डेफिनेटली आप कोई यहाँ पर ट्रैवल भी कर सकते हो। अच्छा, ऐसा मत करना, अगर कहीं आप ट्रैवल कहीं प्लानिंग कर रहे हो ट्रैवल करने के लिए, तो उस प्लानिंग को करते करते रोक मत देना, डाउट्स मत लेकर के आना, क्योंकि ऐसे चांसेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आप कहीं जाना चाह रहे हो, कोई प्लानिंग्स कर रहे हो, फिर कुछ डाउट्स आते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आती है कि आप रुक जाते हो। एग्जैक्टली वो क्या होता है ना कि आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ नेगेटिविटी आपको रोक दी है। देखो ये एक चैलेंज कह लो, ब्लॉकेज कह लो, टेस्ट कह लो आप लोगों के, ठीक है, तो वो चीज़ें आएंगी, तो आपको डट करके आगे बढ़ना है उस पथ पर। हरमेट भाई मैं क्या बोलूँ, ओके चैलेंज ब्लॉकेजेस क्या हो सकते हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला आपको ठीक है कि आप माइंड बदल सकते हो, आप आपका माइंड जैसे कन्फ्लिक्टेड हो रहा है, अच्छा जाऊं या नहीं जाऊं, ये वही वाली बात है। देखो ये ट्रस्ट की बात है, फूल का कार्ड क्या बताता है ना कि आप डिवाइन पर ट्रस्ट कर रहे हो, आप एक अननोन चीज़ पर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, और उस चीज़ में जब आपका दिमाग बीच में आता है, ठीक है, या फिर कुछ लोग ब्लॉकेज बन सकते हैं, कुछ सिचुएशंस ब्लॉकेज बन सकते हैं, या फिर खुद का आपका दिमाग आपके अंदर ही कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि चलना चाहिए क्या, मुझे सिर्फ इस चीज़ पर भरोसा करके एक्शन ले लेना चाहिए, मतलब वो डाउट्स आपके अंदर आ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है इस वक्त में आपकी लाइफ का, ये कोई भी एरिया हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी, रिश्ते, आपका कोई भी मतलब करियर, कुछ भी, ठीक है, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। तो इस एनर्जीज में टैप इन मत करना, ठीक है, इस इल्यूजन्स में मत आना, ओके आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, रुकावटें आएंगी, टेस्ट आएंगे, इसका मतलब ये है। ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके लिए, स्ट्रेंथ, रुकावटें आएंगी, ब्लॉकेजेस आएंगे, चीज़ें आएंगी, नेगेटिविटी आएगी, पर आप उसे सरपास कर लोगे, आप उसे ओवरकम कर लोगे, ठीक है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है। यहाँ पे माता रानी की एनर्जीज भी मुझे फील हो रही है, ठीक है, और आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि आप उसे ओवरकम कर सकते हो, बस आपको अपनी पावर में टैप इन करना है, डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, अपने आप को लिमिट नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन पर आपको ट्रस्ट करना है, अपने इमोशंस पर आपको ट्रस्ट करना है, जो आपको बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, उस पर ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है। आप एक हीलर, टैरो कार्ड रीडर, मतलब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड आप हो सकते हो, डॉक्टर आप हो सकते हो, नर्स आप हो सकते हो, ठीक है, काउंसलर आप हो सकते हो, ठीक है, पेट लवर आप हो सकते हो, ठीक है, इतना इनफ है आपको बताना, ओके ब्यूटीफुल। अब यहाँ तक आकर के पीछे मत मुड़ जाना या रुक मत जाना, आगे बढ़ते जाना, बहुत अच्छी एनर्जीज है गाइस, प्लीज़ बैलेंस, ओके बैलेंस बना के चलो, अपने माइंड को स्टेबल रखो, ओके बहुत बढ़िया है ये सब कुछ। अच्छा, यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की, तो रिश्तों की बात की जाए तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है, रिश्ते आपके बहुत अच्छे रहेंगे। देखिए जो हस्बैंड वाइफ रहेंगे ना, जो मैरिड कपल्स है, तो बहुत ज़्यादा इमोशंस आप एक्सप्रेस नहीं करने वाले हो, मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है, या फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, कुछ आप ऐसा कर रहे हो कि आपका पूरा फोकस वहाँ पे है, तो बहुत ज़्यादा लवी लवी काइंड ऑफ वाइब्स नहीं यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप एक दूसरे से अपने इमोशंस खुल करके बता रहे हो या कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज मैरिड लोगों के लिए मुझे नज़र नहीं आ रही है। और जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं, मैं उनकी यहाँ पर बात बता दूँ कि आपकी तरफ कोई पर्सन एंट्री कर रही है आपकी लाइफ में, कुछ एक न्यू मुझे बिगनिंग, कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, जिनके आप बहुत समय से वेट कर रहे हो। अच्छा, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में बहुत बड़े भी हों, ठीक है, और मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे, डिवोर्स्ड हो आप, विडो हो आप, अगर आप मैरिज की प्लानिंग कर रहे थे, तो एक
न्यू कनेक्शन, एक न्यू जिसे कहते हैं सोलमेट कनेक्शन आपके लाइफ में यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है वाटर साइन भी हो सकते हैं, साइन पर बहुत ज़्यादा मत जाइएगा। कहने का मतलब क्वालिटीज़ उनके अंदर ऐसी होगी, दिल की बहुत सुनते भी होंगे, बट हाँ बहुत ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन येस वो आपकी इमोशंस का पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे, फील करेंगे कि वो एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और एक एनर्जीज मुझे यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है कि जो लोगों का मतलब अब्रोड से था कि हाँ अब्रोड से कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, वो फाइनलाइज होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली होगा। कोई रिश्ता आपका बाहर से भी आ सकता है, आउट ऑफ कंट्री आपकी जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ से बाहर से भी आ सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है या तो वो पानी वाली जगह से ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हों, या फिर ऐसा कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, या फिर वो ऐसी किसी जगह पर रहते होंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल देखा जाए तो लव को लेकर के अच्छी है एनर्जीज, कोई बुरी एनर्जीज नहीं है यहाँ पे, कोई फाइट नहीं है यहाँ पर, मतलब सब कुछ अच्छा है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर क्या कहते हैं ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हो आप लोग, ठीक है, यहाँ पर हाई एनर्जीज है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट भी दे दें, ठीक है। हाई एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कलेक्टिव में मुझे यहाँ पर एनर्जीज फील हो रही है जनरल वे में, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर की अगर बात की जाए ना, देखिए करियर आपका स्टेबल है, करियर आपका कहीं नहीं जा रहा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो क्योंकि करियर थोड़ा आपका स्लो चल रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके करियर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो इस वक्त में, चीज़ें उस तरीके से नहीं कर पा रहे जैसे आप नॉर्मली कर रहे थे। तो डोंट वरी, आपको बोले जा रहे नेगेटिव मत हो, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, कुछ चीज़ों का ना एक टाइम होता है, ठीक है। हो सकता है आपका भी फोकस कहीं और है, ठीक है, आप पूरी तरीके से यहाँ फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहली बात तो नेगेटिव मत हो और अपने ही आप अपने आप पर ना डाउट मत लाओ, सेल्फ डाउट बहुत ही बुरा होता है, अपने ऊपर डाउट मत लाओ। चीज़ें भले ही धीरे धीरे चल रही हैं, डोंट वरी, आपके आपका जॉब कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, स्टेबिलिटी, आप बस ऑनेस्ट होकर के अपने आप आगे लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत ही प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना एक 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 स्टेप करके आप आगे बढ़ रहे हो। तो डरो मत, आप प्रोटेक्टेड हो जब तक आप सही चल रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन येस आपके एरिया आपके जो भी आप काम कर रहे हो करियर बिजनेस, ठीक है, वहाँ पर मुझे बहुत चैलेंजेस और बहुत ही ज़्यादा ना कंपटीशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कि थोड़ा फियर आपके अंदर है, ठीक है, आप थोड़ा नेगेटिव हो रहे हो इन नेक्स्ट 15 डेज में, ओके। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ की बात की जाए तो वैसे तो हेल्थ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा। लेकिन जिन लोगों का बैलेंस नहीं है, जिन लोगों के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ पर आउट ऑफ बैलेंस हो आप, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जीज मुझे यही बता रही है, एक तो आप पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दोगे, ठीक है, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दो और अपने ऑरा को भी क्लींस कीजिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो ना, ऑरा को क्लींस करो, अपने ऑरा को अगर नहीं क्लींस कर सकते, हीलर हो तो कर लोगे, नहीं कर सकते हो तो डोंट वरी, आप अपने नमक जो होता है ना समुद्री नमक, सी सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, नहाने से पहले आप उसको अपनी बॉडी पर रब कर सकते हो, देन आप बात लीजिए, ठीक है। आप नहाने वाले पानी में आप थोड़ा सा सी सॉल्ट डाल दीजिए, उस पानी से नहाइए, और नहाने से पहले आप कॉफ़ी जो होती है ना, कॉफ़ी पाउडर होता है, आप उसको रब कर सकते हो अपनी पूरी बॉडी पर, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो, उससे भी आपकी जो एनर्जीज है क्लींस होंगी, ठीक है। ये आपको करने की ज़रूरत है, ओके माय डियर। तो यस, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। देख लेते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या मैसेज है। A time to give rather than take, यहाँ पर बोला जा रहा है देने के बारे में सोचो, लेने के बारे में नहीं, ओके okay? कहने का मतलब अपने आप को जितना हो सके इस समय में प्योर रखो, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक आपको बना के रखना है, अगर आप कुछ ले रहे हो तो आपको देना भी है, और अगर आप दे रहे हो तो लेने के बारे में भी सोचना है, इक्वल गिव एंड टेक करिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जीज, क्योंकि टू ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है, बैलेंस की ऊर्जा है, चाहे वो रिश्तों की बात हो, करियर की बात हो, एनर्जीज की बात हो, इक्वल गिव एंड टेक बनाना है आपको, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि आप अपना बहुत ज़्यादा
टाइम दे रहे हो किसी चीज़ में, सामने वाला पर्सन नहीं दे रहा है तो बैलेंस कीजिए, ठीक है। सामने वाला पर्सन दे रहा है, आप नहीं दे रहे हो तो वहाँ बैलेंस करो। तो ओवरऑल यहाँ पर बैलेंस की एनर्जीज है, ठीक है। ओके, बी बोल्ड एंड फे, ये सब आया है तो मेरे को लेना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। सबके लिए अलग अलग है, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी है, चाहे आपका करियर है, रिलेशनशिप है, कुछ भी है, हेल्थ है, कुछ भी है, तो आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल्स की तरफ, गोल्स को पाने को लेकर के, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इस समय आपको पीछे नहीं हटना है, बोल्ड मतलब एक्टिव रहो और अपनी एनर्जीज में टैप इन करो, अपनी पावर में टैप इन करो और बोल्ड मूव्स आपको लेने हैं। यहाँ पर आगे बढ़ना है, डिवाइन पर आपको विश्वास करना है, किसी चीज़ से डरना नहीं है, आगे बढ़िए, अपना पहला कदम आगे बढ़ाइए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एंड डोंट वरी, चीज़ें आगे नहीं गिर रही है, मैंने आपको बोला ना कि आपकी एनर्जीज भी बढ़ रही हैं और आपकी लाइफ में भी चीज़ें आगे ही बढ़ रही हैं, पीछे कुछ नहीं जा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो डिवाइन यहाँ पर वो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि एनर्जीज बढ़ ही रही हैं, ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर ट्रैवल बहुत स्पेसिफिक है, ये कुछ स्पेसिफिक ट्रैवल, जैसे मैंने बोला कोई विजिट हो सकता है, कहीं आप विजिट कर रहे हो कोई रिलीजियस प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, या फिर अपने ही किसी मतलब जहाँ पैदा हुए थे वहाँ हो सकता है, मतलब कोई ऐसी ट्रैवल है जो आपकी एनर्जीज को और बढ़ा देगा, ठीक है, उसमें और जिसे कहते हैं कि उसको और हाई कर देना, ये वो एनर्जीज है। और आपके लिए यहाँ पर आया मेडिटेशन कंटेम्पलेट, तो ये मेडिटेशन की एनर्जीज है, बैलेंस की एनर्जीज है। यहाँ देख रहे हो आप, बैलेंस की बात हो रही है, ठीक है। बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ में, जहाँ जहाँ आप आउट ऑफ बैलेंस हो बैलेंस कीजिए, अपनी ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को खोना नहीं है, इस वक्त को आपको खोना नहीं है। तो अपने आप को बैलेंस रखिए ताकि आप सही चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ, इस वक्त में सही एक्शंस ही ले पाओ। ओके, और क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस के लिए, मैसेज कमिंग है एक्वेरियस के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। स्पिरिचुअल यूनियन, मैंने बोला ना ये स्पिरिचुअल यूनियन है डिवाइन के साथ। मैंने टू ऑफ कप्स के साथ भी आपको यही एनर्जीज बताई थी कि जैसे डिवाइन के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन, स्पिरिट के साथ आपका कनेक्शन हो रहा है, आप स्पिरिट से बात कर पा रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट हो पा रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। यस, फिजिकल रीलिंग में तो है कि आप कोई एक सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, बट ये स्पिरिचुअल यूनियन, डिवाइन यूनियन की भी बात कर रहा है, ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल पर। पेशेंस का कार्ड आया है, अपने आप आए हैं पेशेंस का कार्ड। तो आपको बोला जा रहा है अगेन, चीज़ें ग्रो हो रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बीज आप वो बो चुके हो, पेशेंस रखो, ठीक है, पेशेंस रखो। ये वक्त ऐसा है, इसमें आपको इंपेशेंट नहीं होना है, अच्छा कब 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 कब, जल्दी जल्दी जल्दी, पेशेंस के कार्ड हैं यहाँ पर, तो आपको पेशेंस तो लाना पड़ेगा। चीज़ें बढ़ ही रही हैं, घट नहीं रही हैं, बढ़ रही हैं, बस हेडेक एंड लोस की एनर्जीज है। तो आप अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, ठीक है, आपको बोला जा रहा है अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, छांटिए अपनी लाइफ में। बेसिकली यहाँ पर नई चीज़ें एंट्री कर रही हैं आपकी लाइफ में, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी पास्ट का बैगेज कह लो, मेंटली फिजिकली इमोशनली, आपके घर में कुछ कबाड़ है, ठीक है, या फिर घर में कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपने रखी हुई हैं आपके कबर्ड में, आपके वार्डरोब में, आपके किचन में, उन सभी चीज़ों को निकालिए जिन्हें आप यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। तो ये छांटने का समय है। ओके, माय गॉड, मैंने उठाया और ये दो कार्ड अपने आप से आए हैं, ठीक है, सीधे आए हैं, बाकी कोई भी कार्ड नहीं आया है, ठीक है। तो ये दो कार्ड हम लेंगे, तो डेफिनेटली जो लोग रिश्ते की बात करें, आपके रिश्तों की बात करें, तो आपके रिश्तों में हार्मनी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक रिश्ता खराब हो रहा था, कोई लव रिलेशनशिप आपका खराब हो रहा था, जो चीज़ें यहाँ पर बैलेंस होगी, हार्मनी आएगी, लवर्स की एनर्जीज है, डोंट वरी, एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ रहे हो। गेन ट्रैवल की एनर्जीज है, ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लग रहा है मुझे, ट्रैवल। ओके, ट्रैवल, इन्फॉर्मेशन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज है, डेफिनेटली ट्रैवल है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिल सकती है, ईमेल के थ्रू मिल सकती है, मैसेजेस के थ्रू मिल सकती है, डाउनलोड्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो जो मुझे ऑर्ब्स नज़र आ रहे थे, ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना है आपको इस वक्त में। ओके, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एक्वेरियस आपकी रीडिंग हुई है, सबके लिए तो नहीं होगी डेफिनेटली, तो कुछ ही लोग शायद रेजोनेट कर पाएंगे इस रीडिंग से।
ग्रेट, जो भी रेजोनेट कर रहे हैं ना प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा डिवाइन को, देखिए कितनी अच्छी एनर्जीज आपको भेज रहे हैं। माहिज़र देखो ये वक्त ना अपने आप को बांधने का नहीं है, ये वक्त है आउट ऑफ द बॉक्स जाने का, ये वक्त है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, ये वक्त है एक एक रिस्क कह लो, डिवाइन पर विश्वास कह लो, उसको लेकर के आगे बढ़ने का, ठीक है। किसी भी चीज़ में आपको कंजूसी नहीं दिखानी है अपनी। दूसरा देखो डोनेट करो, ठीक है, डोनेशन की एनर्जीज क्योंकि यहाँ पर भी आई है, इक्वल गिव एंड टेक, तो डेफिनेटली जो आपने पाया है उसको इक्वल गिव एंड टेक करना, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, आप मैं सबकी यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग हैं जिनको डिवाइन दे तो रहे हैं, आप कंजूस की तरह उसको अपने पास रख रहे हो, आई एम सॉरी, तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं प्लीज़ आप इनको लेकर के डिवाइन को तो ग्रैटिट्यूड पे करो, ठीक है, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करो और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, ठीक है। कंजूस मत बनिए, ठीक है, ये जिनके लिए भी है, एंड येस रिसेप्टिविटी का कार्ड है आपके लिए, तो आप इस समय बिल्कुल रिसीविंग एनर्जीज में हो, आपकी तरफ एनर्जीज आ रही है, आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, चीज़ें जैसे कि ना अपने आप आपकी लाइफ में मतलब अलाइनमेंट में आ रही हैं, ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप उस पाथ पर आपको लेकर जाया जा रहा है, एक एक करके वो रास्ता दिखाया जा रहा है आपकी तरफ। ओ माई गॉड, अभी देखिए मैंने देखा कंप्लीशन, क्योंकि ये कंप्लीशन का वक्त है आपकी लाइफ में, कुछ कोई एक साइकिल है, कोई एक कार्मिक साइकिल हो सकता है आपकी लाइफ में जिसे आप कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, तो कंप्लीशन है यहाँ पर आपकी लाइफ में। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। क्या मैसेज आप देना चाहते हो, लास्ट मैसेज देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए, नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। चीता, गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशंस माय डियर, यहाँ पर जो नेक्स्ट एक ही है ना, आई थिंक, ओके, गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशंस, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल्स, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, मैंने आपको बोला ना पीछे नहीं हटना, देखो जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं ट्रैवल की प्लानिंग है, कुछ करने की प्लानिंग है ना, उस तरफ आपको एक्शन लेना है। मैं ये नहीं कह रही कि बिना सोचे समझे लो, लेकिन जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको क्लिक कर रही है ना, आपको लग रहा है कि हाँ डिवाइन मुझे ये रास्ता दिखा रहे हो, उस तरफ आप एक्शन लो, ठीक है। अपनी इंटेंशंस को पहले क्लियर करो, जितना आप डाउट्स में रहोगे ना, क्योंकि यहाँ पर 6 5 ऑफ वांड्स की एनर्जीज है, अंदर कन्फ्लिक्ट रहेगा आपके, डाउट्स में रहोगे तो फिर एक्शंस नहीं ले पाओगे, और जितना आप उसे डिले कर दोगे ना कि ठीक है अभी नहीं, कल देखेंगे, परसों सोचेंगे, तरसों सोचेंगे, मतलब जितना आप उसे आगे आगे खिसका दोगे ना, तो चीज़ें रुक जाएंगी, चीज़ें फिर आगे बढ़ेंगी नहीं, तो आपको उस तरफ तुरंत आपको एक्शंस लेना है, डिसीजंस लेना है, उस तरफ आगे बढ़ना है आपको, यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो यस माई डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हूँ, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हूँ, मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलेगा, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।